Hello everyone, my name is Ram and I am from Karepun Gurukul Kota. This is my third lecture of history chapter, The Rise of Nationalism in Europe. इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में। 18th सेंचुरी के एंड तक जर्मनी थी 100 से भी ज्यादा छोटे और बड़े स्टेट्स में डिवाइड था और इन छोटे बड़े स्टेट्स पर अलग अलग कंट्रीज का कंट्रोल था। दीज 300 स्टेट्स कन्वर्टेड इनटू 39 स्टेट्स बाय नेपोलियन व्हिच वर नाउन एज जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। बट हम देखते हैं कि यूनिफिकेशन का काफी सारा वर्क नेपोलियन ने ही कर दिया था। जब यूरोप के ज्यादातर हिस्सों पर नेपोलियन का कंट्रोल था तो उसी समय उसने इन 300 स्टेट्स को 39 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया था जो जर्मन कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट्स कहलाए। जर्मनी को यूनिफाई करने का एफर्ट्स वहां के लोकल लोगों के थ्रू भी किया गया। इस एफर्ट्स को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट या मेयरेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। हम आगे बात करते हैं इन द जर्मन रीजन्स ए लास्ट नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हूज मेंबर वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स बिजनेसमैन एंड प्रॉस्परस आर्टिसंस केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एंड ऑल जर्मन असेंबली। देखो यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि जो जर्मन एरिया है वहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो लोग हैं उसके मेंबर उनमें कौन शामिल है, मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स बिजनेसमैन हैं और रिच आर्टिस्ट लोग हैं। ये सब लोग फ्रैंकफर्ट सिटी में मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम सभी अब ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करेंगे। जर्मन यूनिफिकेशन के इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इन सभी के थ्रू 18 मई 1848 में 81 मेंबर्स जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे सभी फेस्टिव जैसा एक जुलूस निकालते हैं और सेंट पॉल चर्च पहुंचते हैं जहां पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई होती है। और जब ये डिप्यूटीज यानी कि पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स उस समय के प्रुशियन किंग फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ को क्राउन ऑफर करते हैं तो उस क्राउन को वो किंग रिजेक्ट कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जर्मन नेशनल असेंबली के मेंबर्स जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं जिसमें किंग ओनली एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब किंग के पास नॉमिनल पावर्स होंगी, नाम मात्र की पावर्स होंगी और मोस्टली जितने भी राइट्स हैं और पावर्स हैं वो वहाँ की नेशनल असेंबली के पास होंगी। इसीलिए जो फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ है वो क्राउन पहने से मना कर देता है और इस तरह से लोकल लेवल के थ्रू जर्मनी को यूनिफाई करने का जो एफर्ट्स था वो सक्सेस नहीं हो पाता। और इस इंसिडेंट के मई मंथ में होने की वजह से इसे मई रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि 1861 में फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ की डेथ हो जाती है। इनके डेथ के बाद कैसर विलियम फर्स्ट प्रुशिया का किंग बनता है। कैसर विलियम फर्स्ट का ये मानना था प्रुशिया ही अपनी मोनार्की और मिलिट्री पावर के थ्रू जर्मनी को यूनाइट कर सकता है। जर्मनी यूनिफिकेशन के इस प्रोसेस में अब हम आगे देखते हैं कि प्रुशिया इस जर्मनी के यूनिफिकेशन के मूवमेंट की जिम्मेदारी लेता है और प्रुशिया के द्वारा जर्मनी यूनिफिकेशन के ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने का जो काम है वो इसके चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है जो प्रुशियन आर्मी और ऑफिसर्स की हेल्प से इस प्रोसेसर को अंजाम देता है। जर्मनी के चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क इस पॉलिसी और डिप्लोमेसी के थ्रू जर्मनी का यूनिफिकेशन करते हैं उसे वो ब्लड एंड आयरन नाम देते हैं। इसका मतलब होता है पॉलिसी ऑफ वॉर, मतलब वॉर के बिना जर्मनी का यूनिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जर्मनी यूनिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए प्रुशिया को ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से वॉर करना पड़ता है जो 7 ईयर्स तक चलता है। पर फाइनली यहाँ पर विक्ट्री प्रुशिया की होती है और जर्मनी यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि जनवरी 1871 में फ्रांस के पैलेसो वर्सलीज में एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें कैसर विलियम फर्स्ट को यूनाइटेड जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये था जर्मनी का यूनिफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव डिस्कस्ड टुडे। आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी।